हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पार्क्स एकेडमी। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज का न्यू लेक्चर। और ये जो हमारा आज का लेक्चर रहेगा, पहले मैं इसका टॉपिक बताता हूँ एंड इसका सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर है फॉर द क्लास 11 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के लिए, लेक्चर नंबर थर्ड का सी पार्ट है, जिसके अंदर आज हम लोग क्या करेंगे, अपना डायमेंशन की थर्ड एप्लीकेशन करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर नंबर थर्ड का बी पार्ट था फॉर द क्लास 11 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के अंदर, तो उसके अंदर हमने क्या करा था कि जो डायमेंशन की जो दो एप्लीकेशन थी वो हम लोगों ने कवर कर ली थी अपना। तो आज जो बची हुई जो थर्ड एप्लीकेशन वो हम लोग करते हैं इस आज के लेक्चर के अंदर। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज की जो हमारी मेन एप्लीकेशन है, मीन थर्ड एप्लीकेशन, क्या नाम है इस थर्ड एप्लीकेशन का, दैट इज टू ड्राइव ए रिलेशन। इट मींस हमें क्या है कि एक रिलेशन ड्राइव करना होगा, किसकी हेल्प से, विद द यूज ऑफ गिवन डाटा इन न्यूमेरिकल। इट मींस हमारे पास एक प्रॉपरली एक न्यूमेरिकल दिया होगा, मींस कंप्लीटली ए न्यूमेरिकल टॉपिक है, मैं आप लोगों को बताता हूं। और उस न्यूमेरिकल के अंदर कुछ डाटा दिया होगा और उस डाटा का यूज करके हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो कैसे वो ड्राइव करते हैं फॉर्मूला, वो हमें इस थर्ड एप्लीकेशन में सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और आपके फर्स्ट सम एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। मींस मैं कहूंगा श्योरली क्वेश्चन आता ही आता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ अलग अलग वैरायटी के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उनके मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने आप से घर पर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में मैं आप लोगों को जब असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा इस चैप्टर का और इस टॉपिक के रिलेटेड, तो वहां से भी आप लोग को न्यूमेरिकल करने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखो आज का लेक्चर। तो थर्ड एप्लीकेशन क्लियर होगी कि हमें क्या करना है, बेसिकली रिलेशन ड्राइव करना है, किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से, हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया होगा। तो देखो, ये जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड है। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जिन बच्चों ने सेकंड लेक्चर देख लिया है, बी पार्ट देख लिया है डायमेंशन का, उनको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है कि इट मीन्स अगर किसी गिवन फॉर्मूला के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स की डायमेंशन राइट हैंड साइड के टर्म की डायमेंशन के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि फॉर्मूला क्या है, वो एक्यूरेट है। अगर इक्वल नहीं होती तो इट मीन्स हम क्या कहते हैं बच्चों की फॉर्मूला मीन्स हमारा एक्यूरेट नहीं है। तो यहां पर भी जब हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में एक अपनी तरफ से टर्म एज्यूम करना होगा, जिसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना होगा, फॉर्मूला ड्राइव करना होगा। और राइट हैंड साइड में हमें क्या लेने होंगे, वो टर्म्स लेने होंगे जिनके ऊपर हमारा लेफ्ट हैंड वाला टर्म डिपेंड करेगा। तो हमने क्या करना, राइट हैंड साइड को सोल्व करते हुए लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड वाली डायमेंशन के इक्वली प्रूफ करना, वहां पर कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और उन कॉन्स्टेंट की वैल्यू को निकालने के बाद हमारा फाइनल आंसर निकलेगा। देखो, अभी ओरली इस तरीके से कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक हम लोग इसका न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। तो देखो, हम इसको न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसका। तो देखो, जो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, द सेंट्रिपेटल फोर्स एफ, इट मींस एक सेंट्रिपेटल फोर्स है एफ, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल, किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, आपका मास ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। मास ऑफ द पार्टिकल क्या है, किससे रिप्रेजेंट करना है हमने, एम से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और लीनियर वेलोसिटी दैट इज वी, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल एंड ऑन द रेडियस, मीन्स किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी और रेडियस, इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड कर रहा है बच्चों, आपका फोर्स डिपेंड कर रहा है। तो क्या क्या हुआ है लास्ट में, सो ड्राइव द फॉर्मूला डायमेंशनली फॉर द फोर्स, तो फोर्स के लिए हमने फाइनली फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, बहुत ही सिंपल है, देखिए आप लोग किस तरीके से करना होता है, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो अपना प्रैक्टिस में आ जाएंगे आप लोग, फिर अपना आपसे घर बैठ के अपना न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से रहेगा यहाँ पर, ये सबसे पहला स्टेप इस काम को, मींस किस तरीके से न्यूमेरिकल करते हैं, मैं स्टेप वाइज बता देता हूं, आप लोग वो स्टेप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे घर से। तो क्या चीज है कि सबसे पहले हमें वो फैक्टर देखना होता है जिसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो साफ साफ कर, ड्राइव द फॉर्मूला डायमेंशनली फॉर द फोर्स, तो फोर्स के लिए ड्राइव करना है तो फोर्स की वैल्यू आपने इनिशियली लिखनी है। उसके बाद में करना क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन बनाना है, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन बना के फिर हमें क्वेश्चंस के अंदर से वो टर्म्स उठाने हैं जिन टर्म्स के ऊपर ये फोर्स डिपेंड कर रहा है। तो देखो तीन फैक्टर्स थे यहां पर जिन जिन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहला मास, वेलोसिटी और रेडियस, इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग यहां पर एक इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हुए यहां पर के लगाएंगे। के क्या रहेगा, एक डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट होगा, इस चीज का ध्यान रख लेना आप लोग कि के जो रहेगा हमारा, इट इज ए डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट। ये कैसा कॉन्स्टेंट आपने लेना है, बेसिकली डायमेंशनलेस मीन जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, ऐसा कॉन्स्टेंट आपने लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि
ताकि जब हम लोग इसको डायमेंशनली सोल्व कर दें तो इस के की डायमेंशन हमारा जो मेन आंसर है उसको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ हमने क्या करना है कि अब यहां जो फैक्टर्स दिए हुए इन फैक्टर्स की पावर हमने सीक्वेंस वाइज ए बी सी अपना पावर एज्यूम कर लेनी है, तो दैट इज बी एंड आर टू पावर सी, एन टू पावर ए हो गया, वेलोसिटी की पावर बी हो गया और आर की पावर सी हो गया, ठीक है। अब देखो ये फैक्टर मीन्स ये एक्सप्रेशन हमारे सामने बन चुका है, इसको हम अपना इक्वेशन नंबर वन मानेंगे एंड इसके बाद में हमने करना क्या होगा कि यहां पर जितने भी टर्म्स दिए हैं उन सभी टर्म्स की डायमेंशन रखनी है। तो देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, दैट इज हमने लास्ट टाइम सीखा था लेक्चर नंबर बी के अंदर एम वन एल वन एंड द टी माइनस ऑफ टू, ये डायमेंशन होती है बच्चों किसकी, फोर्स की डायमेंशन होती है। जिन बच्चों को नहीं पता वो जाकर अपना सेकंड लेक्चर देख ले, इस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर देख ले, वहां से सब चीज आपको क्लियर हो जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इसका मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप लोग डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां पर के की कोई डायमेंशन होगी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या माना इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फिर आता है मास, तो मास की डायमेंशन क्या रहेगी बच्चों, सीधा एम रहेगी, एम टू पावर ए। फिर क्या है बच्चों हमारे पास है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की पावर डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस वन, मतलब एम जीरो एल टी माइनस वन, तो एम जीरो हमने यहां से हटा दिया, इसकी पावर क्या रहेगी बी रहेगी। फिर उसके बाद में रेडियस है, रेडियस क्या होती है बच्चों एक तरह की लेंथ होती है, तो इट मीन्स इट विल बी एल टू पावर सी, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने करना क्या होगा, बेसिकली जितने भी टर्म्स दिए उनकी आप पावर्स रिप्रेजेंट कर लीजिए, एम टू पावर ए इंटू एल टू पावर, यहां से क्या आएगी बच्चों बी आएगी, इंटू टी की पावर कितनी आएगी माइनस बी आएगी, और इंटू एल टू पावर कितना आएगा सी आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो m है उसको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए पावर के टर्म्स में, l को एक साथ और t को एक साथ, ठीक है। देखो किस तरीके से m को यहां पर लिखा, तो m की पावर सिर्फ यहां पर कितनी आ रही है a आ रही है, ठीक है। और जब l की बात करते हैं तो l कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास में, l यहां पर देखो एक जगह यहां पर है और एक जगह यहां पर है, दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी एड होंगी, तो एल टू पावर कितना रहेगा बच्चों बी प्लस सी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो बचा दैट इज टी, तो टी की पावर कितनी आ जाएगी दैट इज माइनस ऑफ बी, ठीक है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या है एम वन एल वन टी माइनस ऑफ टू। अब देखो बच्चों ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन चुका है, एक इक्वेशन बन चुकी है, और इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग एबीसी जो हमने जो कॉन्स्टेंट माने इनकी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से वो आप लोग देखिए। एक चीज और मैं बताऊंगा कि आप लोगों का जो ये एप्लीकेशन है थर्ड एप्लीकेशन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो देखो इसी चीज का यूज करते हैं हम, यहां से ए बी सी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा बच्चों कि इधर एम की पावर कितनी है ए और इधर एम की पावर क्या है वन, तो सीधा सीधा जब कंपेयर करा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई। फिर इसके बाद में एल की पावर कितनी है इधर बी प्लस सी, तो बी प्लस सी किसके इक्वल हो गया इधर कितना है वन, तो बी प्लस सी इक्वल टू वन आ गया, ठीक है। इसके बाद में फिर हमने यहां पर टी की पावर को कंपेयर करा तो टी की पावर कितनी है माइनस टू, इधर कितना है टी की पावर माइनस बी, तो नेक्स्ट पार्ट क्या बनेगा बी इक्वल टू माइनस ऑफ टू, तो इससे कैंसिल हुआ, तो यहां से क्या निकल कर आता है बच्चों दैट इज बी की वैल्यू आ गई टू, ठीक है। अब देखो ए आ चुका है बी आ चुका है सी निकाल है, सी निकालना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, सी इक्वल टू कितना होगा दैट इज वन माइनस ऑफ बी, तो रिप्लेस करो यहां पर कितना रहेगा दैट इज वन माइनस ऑफ टू, तो कितनी वैल्यू आई बच्चों सी की वैल्यू आती है हमारे पास है माइनस वन। अब क्या काम करना है आपने पुट ए बी सी इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन के अंदर हम लोग पुट करते हैं, तो जब हम लोग इक्वेशन वन के अंदर पुट करते हैं ये है हमारी इक्वेशन नंबर वन, तो इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन एफ इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एम, और एम कितना है बच्चों एम की पावर कितनी है ए, ए की वैल्यू कितनी है यहां पर वन, ठीक है। फिर इनटू फिर क्या है हमारे पास में वी, वी की पावर कितनी है बच्चों बी, और बी की वैल्यू कितनी है टू, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म क्या है बच्चों आर, आर की पावर कितनी है सी, तो सी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों हमारी यहां पर हमने निकाली है सी की वैल्यू, तो कितनी वैल्यू आई है सी की दैट इज इक्वल टू फाइनली माइनस वन वैल्यू आई है, तो दैट इज माइनस ऑफ वन। तो फाइनली बच्चों देखो यहां पर हमारे पास में ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन बन चुका है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं दैट इज एफ इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये आर हमने नीचे क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि यहां पर आर की पावर क्या माइनस वन है, माइनस वन का मतलब क्या होता है दैट इज वन अपॉन आर, तो ये क्या रहेगा हमारा फाइनली फॉर्मूला रहेगा, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा कि इट मीन्स सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। और यहां पर जो के की वैल्यू रहेगी जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों वन आएगी, तो फाइनली जो हमारे पास आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या आंसर बनेगा
दैट इज एफ इक्वल टू, जो हम के की वैल्यू क्या रखते हैं, वन रखते हैं, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं अपना अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल ये आपकी एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करिएगा। देखो क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड कैपिटल टी, इट मीन्स तरीका क्या बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने जो फैक्टर दिया होता है वो फैक्टर लिखना है, टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये मुझे पता है टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, पर आप लोग एक बार पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे उसके बाद में यहां पर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, या फैक्टर्स की वैल्यू लिखेंगे। द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बो, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, मास ऑफ द बो के ऊपर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया, साथ में मास हमने लिख दिया। फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, कोमा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फिर सेकंड फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है आपका, स्मॉल जी। ठीक है, अब ये तीनों फैक्टर्स आ चुके हैं, सो ड्राइव द फॉर्मुला डायमेंशनली फॉर द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हमने फॉर्मुला ड्राइव करना है, तो देखो कैसे करेंगे, सारे फैक्टर्स आ चुके हैं, फिर इसके बाद में हमने क्या टर्म करना होता है, मींस एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट हम लेके चलते हैं, और साथ में जो डिपेंडिंग फैक्टर्स है उनकी पावर हम ए बी सी मानेंगे। तो यहां पर क्या आ गया बच्चों, आपका m टू पावर a, l टू पावर b और g टू पावर c आ गया यहां पर। ठीक है, अब देखो फिर इसके बाद में क्या करना होता है कि जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उस पूरे टर्म्स की हम यहां पर क्या लिखते हैं, सभी की डायमेंशन हम लोग पुट करते हैं। तो ये क्या है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, एम जीरो एल जीरो ओनली टी वन, सिर्फ t रहेगा। और बच्चों जो k रहता है ये क्या रहता है हमारे पास में, इट इज द डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, इट मीन्स इसकी कोई डायमेंशन आपकी नहीं रहेगी। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं रहेगी, तो फिर उसके बाद में मास की डायमेंशन क्या आएगी बच्चों, ओनली m आएगी, तो m टू पावर a आ गया। फिर नेक्स्ट क्या बच्चों हमारे पास में, लेंथ, तो लेंथ क्या एक तरह की लेंथ है, तो इसकी पावर b आ गई, लेंथ की डायमेंशन कितनी होगी, कैपिटल है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी डायमेंशन क्या होती है, दैट इज एक्सेलरेशन एक टाइप का, तो एल टी माइनस टू होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर से क्या आएगा बच्चों आपका एल आएगा, और पर सेकंड स्क्वायर से टी माइनस टू आएगा, उसकी पावर भी क्या रही आप लोगों की, सी रहेगी। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। तो जब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, किस तरीके से, तरीका बताया था, एम टू पावर ए इंटू एल टू पावर बी, सारे टर्म्स को लिखते चले जाओ, साथ में इनकी पावर्स लिखते चले जाओ, इंटू यहां से एल की पावर कितनी आएगी बच्चों आपकी, सी आएगी एल टू पावर, और यहां से टी की पावर कितनी आएगी फिर, माइनस ऑफ टू सी। तो ये हमारे पास में फुल एक्सप्रेशन बन चुका है, ये एम जीरो एल जीरो एंड द टी वन। ठीक है, अब देखो फिर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो किस तरीके से, उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो सेपरेट टर्म्स है एम एल और टी, उनकी पावर्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है ना, तो एम की पावर यहां पर सिर्फ मुझे यहां पर दिख रहा है, तो एम टू पावर ए हो गया, एल कहां पर है, इधर है उधर है, एल इंटू एल टू पावर बी इंटू एल टू पावर सी, तो क्या रहेगा, बेस सेम है, पावर्स एड होंगी, तो दैट इज बी प्लस सी, और टी की पावर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, माइनस ऑफ टू सी। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, इधर क्या चीज है, एम जीरो एल जीरो एंड द टी वन। तो जब हम कंपेयर करते हैं, तो बाय कंपेयरिंग, तो जब इनको कंपेयर करेंगे हम लोग, तो कंपेयर करके देखो क्या क्या वैल्यूज आएंगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपकी, ए की वैल्यू क्योंकि यहां पर एम टू पावर ए है, तो इधर कितनी है, जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जीरो आ गई। ठीक है, उसके बाद में यहां पर बी प्लस सी, बी प्लस सी किसकी पावर है, एल की, तो इधर एल की पावर कितनी है, जीरो, तो बी प्लस सी भी कितना आएगा आपका, जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या, बी इक्वल टू क्या है बच्चों आपका, माइनस ऑफ सी। ये फैक्टर हमने निकाले कि बी किसके इक्वल आप लोगों का, माइनस ऑफ सी के इक्वल है। अब देखो नेक्स्ट हम जब टी की पावर कंपेयर करते हैं, तो टी की पावर कितनी यहां पर, माइनस टू सी, तो माइनस टू सी किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद में, तो सी की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों आपकी, दैट इज माइनस वन बाई टू, ये वैल्यू आ गई। जब c की वैल्यू माइनस वन बाई टू है, तो b कितना रहेगा, दैट इज माइनस ऑफ माइनस वन बाई टू, तो इट इज b की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस वन बाई टू। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई b के लिए, दैट इज प्लस ऑफ वन बाई टू। ठीक है, अब देखो ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो उसके बाद हमने करना क्या होता है कि पुट a b और c इन इक्वेशन वन, और इक्वेशन वन कौन सी होती है बच्चों, जिसके अंदर हम डायमेंशन कॉन्स्टेंट मानते हैं अपना, ये वाला, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन वन मानते हैं अपना, जहां पर हम k की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है ना, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह k हम पुट करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर वन मानेंगे। ठीक है, तो यहां देखो किस तरीके से रहेगा, t इक्वल्स टू k टाइम्स m टू पावर a, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, जीरो, तो यहां पर m टू पावर क्या लिखेंगे, जीरो। फिर क्या है, l, n टू पावर b, b की वैल्यू कितनी है, वन बाई टू, तो दैट इज n टू पावर वन बाई टू इंटू g,
जी और जी की पावर क्या सी, सी की वैल्यू क्या है आपकी माइनस वन बाई टू, तो इट इज माइनस वन बाई टू। तो यहां देखो एन टू पावर जीरो तो फैक्टर खत्म हो गया। उसके बाद में टी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एन टू पावर वन बाई टू का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों आपका, दैट इज रूट ऑफ एल रहेगा, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर वन बाई टू, और यहां पर क्या है माइनस वन बाई टू, तो इसका मतलब क्या कि रूट अपॉन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे इंटू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ जी, ठीक है। अब इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो टी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ रूट एल अपॉन जी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया। जब हम के को सोल्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो के की वैल्यू कितनी आती है, टू आती है, एंड ये वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंटली सोल्व करते हैं। अगर आप लोग इसका आंसर यहां पर छोड़ कर आएंगे तो जब भी फाइनली क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। अगर आपको पता है तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं k इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि हर क्वेश्चन में k की वैल्यू अलग अलग होगी। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों की 11th क्लास की बिगनिंग है, तो आप लोग यहीं पर भी छोड़ सकते हैं अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं पता। तो जैसे यहाँ पर फॉर्मूला पता था k इक्वल टू मतलब f इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आर होता है, तो ऑब्वियस बात है k की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। और ये फॉर्मूला भी काफी कॉमन फॉर्मूला है, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आती है 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना रहेगा बच्चों आपका 2 पाई एंड रूट एल अपॉन जी, तो दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर द टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा किस चीज के लिए, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद में हम लोग अपना दो न्यूमेरिकल और करते हैं। आप लोग नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। चलो बच्चों फिर अब हम दो न्यूमेरिकल और करते हैं थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो देखो क्या न्यूमेरिकल है, थर्ड न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, द एस्केप वेलोसिटी वी ऑफ ए बॉडी, इट मीन जो एस्केप वेलोसिटी है किसी बॉडी की डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, इट मीन उस प्लैनेट के ऊपर कितनी वेलोसिटी है, एंड साथ में रेडियस ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट की रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। सो क्या करना है, सो ड्राइव द फॉर्मूला डायमेंशनली फॉर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के लिए हमने डायमेंशनली सोल्व करना है फॉर्मूला को। एक्चुअली ये फॉर्मूला आप लोग चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ेंगे, तो मैं बता दूं आप इस डायमेंशन की हेल्प से पूरी बुक का कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि मीन्स आपको चैप्टर की बेसिक नॉलेज पता हो। तो देखो ये क्वेश्चन आपका मीन्स ये फॉर्मूला हम लोग अपना 8th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बट इसका जो फॉर्मूला है हम ऑलरेडी यहां पर आज निकाल कर देखेंगे, और ये जो नेक्स्ट वाला है ये आपका चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो करते हैं, इसी से मैटर नहीं करता है कौन सा मतलब क्या न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर्स है। अगर हमें तरीका आ गया तो हम कोई सा भी न्यूमेरिकल किसी भी चैप्टर का वो हम यहां पर कर सकते हैं डायमेंशंस की हेल्प से, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं, तरीका वो यूज करना जो उससे पहले बताया था मैंने, कि सबसे पहले हमें वो फैक्टर लेना है कि जिसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है बच्चों, एस्केप वेलोसिटी के लिए। तो एस्केप वेलोसिटी क्या रहती है आपकी, दैट इज कैपिटल वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करिए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन बनाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करिए, एंड ऑन डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट की रेडियस के ऊपर, ठीक है ना। आप देखो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहां पर हमें के रखना होता है। के क्या होता है बच्चा आप लोगों का, इट इज डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट। तो ये ध्यान रखना कि के का मैं बार बार बता रहा हूं कि ये क्या होता है, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट होता है बच्चों आपका, ठीक है, जो हमें हर न्यूमेरिकल के अंदर पुट करना है इस टाइप से न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम पर, ठीक है। जी की पावर क्या लेंगे ए, फिर आर टू पावर क्या लेंगे बी, तो ये हमारे पास में हमारी वर्किंग इक्वेशन बन गए, इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। फिर इसके बाद में तरीका क्या कहते हैं कि हमने जितने भी टर्म्स दिए हैं उन सभी की डायमेंशन रखनी है। तो वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, तो इट मीन एम जीरो मीटर से एल आ गया, पर सेकेंड से क्या आ गया टी माइनस वन आ गया, तो दैट इज एम जीरो एल वन एंड द टी माइनस ऑफ वन। इसके बाद में के की कोई डायमेंशन होगी नहीं क्योंकि डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन है, तो क्या यूनिट होती है इसकी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर से क्या रहेगा बच्चों आपका एल, एंड इट इज टी माइनस टू की पावर ए आ गया, एंड इसके बाद में आर, आर क्या बच्चों एक तरह की रेडियस है, तो रेडियस क्या होती है लेंथ होती है, तो लेंथ की पावर बी आ गया यहां पर, ठीक है। इसके बाद में हमें करना क्या होता है कि इन सबको मल्टीप्लाई करना है और इनकी पावर्स को भी इंक्लूड करना है मल्टीप्लाई करते टाइम पर रेस्पेक्टिव पावर्स को। तो यहां पर एल की पावर कितनी बनेगी बच्चों आपकी ए, और टी की पावर कितनी बनेगी माइनस ऑफ टू ए, इंटू एल टू पावर कितनी बनेगी बी यहां पर बनेगी, ठीक है ना। अब फिर क्या काम करते हैं यहां से, इसके बाद में जो एल और टी की जो रेस्पेक्टिव टर्म्स है उनकी सभी की पावर्स को इकट्ठा करते हैं। देखो किस तरीके से L यहां पर है, L इधर है, तो L दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है, बेस में पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी, तो L टू पावर कितना आ जाएगा बच्चों आपका a प्लस ऑफ b। फिर उसके बाद में इंटू t की पावर कितनी है, सिर्फ माइनस ऑफ 2a है, ये आ गया, और इधर कितना है हमारे पास m0 l1 एंड द t माइनस 1,
अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बच्चों, आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये फॉर्मूला हम जो ड्राइव कर रहे हैं, अगर वो सही भी हमने, अगर सही मतलब इस फॉर्मूले का एक्यूरेट भी तो करना है ना इसको ड्राइव करने के साथ साथ, तो ऐसा से फॉर्मूला सही भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके सही होने की कंडीशन क्या होगी कि इधर जो एम एल टी की रेस्पेक्टिव पावर्स है और जो इधर एम एल टी की रेस्पेक्टिव पावर्स है वो इक्वल होनी चाहिए। और इसी को इक्वेट करते हुए हम लोग ए बी सी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकालते हैं। तो देखो किस तरीके से कि a प्लस बी क्या रहेगा आपका, अगर देखा जाए तो यहां पर l टू पावर a प्लस बी है, तो इधर l टू पावर कितना बच्चा आपका 1 है, तो यहां से कितना आ गया 1 आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बनी, यहां से t की पावर कितनी है माइनस ऑफ 2a, और इधर कितनी है t की पावर दैट इज माइनस 1, तो माइनस से माइनस गया, a इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 बाई 2 आ गया यहां पर। जब a इक्वल टू 1 बाई 2 आ गया तो यहां से b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दैट इज 1 माइनस ऑफ a, तो 1 माइनस a जब हम लोग करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी, That is 1 minus 1 by 2, तो it is 1 by 2 once again, ठीक है। मतलब a की वैल्यू 1 by 2 और b की वैल्यू 1 by 2। उसके बाद में फिर क्या काम करना होता है, put the value की जो वैल्यू आई है हमारे पास में a कोमा b की, उसको कहां पर रखते हैं अपना इक्वेशन 1 के अंदर हम लोग पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, v equals to that is k times of कितना था g, तो g की पावर कितनी थी बच्चों आपकी a, a की पावर कितनी है 1 by 2, a की वैल्यू 1 by 2 है, इनटू फिर क्या है हमारे पास में कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्या आता पावर इसकी बी, और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 1 बाई 2, तो क्या लिखेंगे 1 बाई 2। और जब पावर 1 बाई 2 होती है तो उसका मतलब क्या बताया था, दैट इज अंडर रूट, तो इट मींस इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, दोनों को एक साथ लिख देते हैं, तो के एंड दैट इज रूट ऑफ जी इंटू आर, ये फॉर्मूला हमारे पास बना। अब देखो यहां पर जो के की जो वैल्यू है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, के की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, जब के की वैल्यू हम लोग बच्चे 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v इक्वल टू दैट इज रूट ऑफ जी आर। एंड ये फॉर्मूला होता है हमारे लिए किसके लिए, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन ए प्लैनेट। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि अगर सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट को हम एस्केप वेलोसिटी जितनी वैल्यू देकर अगर फेंका जाए तो वो बॉडी कभी उस प्लैनेट के ऊपर वापस नहीं आती। जैसे अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक दे तो वो बॉडी कभी भी वापस अर्थ की तरफ रिटर्न नहीं आएगी, ठीक है, वो अंतरिक्ष में कहीं चली जाएगी बॉडी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कह रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप में डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमने वो फैक्टर निकाला है जिसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है फ्रीक्वेंसी के लिए, एंड साथ में क्या कर रहा है किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन बनाया, आर हमने लिखा, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो डेंसिटी, तो डेंसिटी की जो सिंबल है दैट इज रो, रो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सरफेस टेंशन, अब देखो बच्चों ये टर्म आपके लिए न्यू है, सरफेस टेंशन अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ये टर्म बेसिकली हम लोग चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ते हैं। पर मैंने क्या बताया कि आपको इससे घबराना नहीं कि चैप्टर 10 का क्वेश्चन है, 9 का, या हो सकता है लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन भी, लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डायमेंशन से सोल्व कर सकते हैं, बस हमें उसकी उस टर्म की डायमेंशन बताओ, ठीक है ना। डायमेंशन मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया, इसके बाद में क्या करते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन 1 बनाते हैं। तो के लेंगे हम, के क्या रहेगा हमारा डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर यहाँ पर क्या रहेगा आर टू पावर ए, रो टू पावर बी एंड एस टू पावर सी, ये क्या बनी बच्चों हमारी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास, ठीक है ना। अगेन फिर से यहां से k को एक बार बता देता हूं, फिर से k क्या होता है बच्चों हमारा, दैट इज डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट होता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं हर किसी टर्म की डायमेंशन आपको बता देता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी का मतलब क्या रहेगा, इसकी डायमेंशन क्या रहेगी, टी माइनस 1 रहेगी। जब कंप्लीटली इसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, एम जीरो एल जीरो एंड द टी माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो देखो ये डायमेंशन हम यहां पर लिख देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कितनी हो गई, दैट इज एम जीरो एल जीरो एंड द टी माइनस 1। के की कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है। फिर आर के रेडियस, रेडियस क्या होता है बच्चों आप लोगों का, सिंपली लेंथ होता है, तो दैट इज ओनली एल टू पावर ए इन टू। अब डेंसिटी की बात करते हैं, तो देखो डेंसिटी क्या होता है, जैसे कि आपको पता है इट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम, तो मास की क्या रहती है एम रहती है, वॉल्यूम की क्या होती है एल थ्री होती है मीटर क्यूब, तो क्या बनेगा m1 l माइनस 3 एंड द टी जीरो, क्योंकि इस l को ऊपर लेके जाए तो क्या बनेगा l माइनस 3 बनेगा। तो सिर्फ हम यहां पर m l माइनस 3 सिर्फ इतना यूज करने वाले हैं, तो कितना रहेगा आपके m1 l माइनस 3 एंड इसकी पावर कितना होगी आपकी b पावर इसकी होगी, ठीक है ना।
इसके बाद में फिर आप सरफेस टेंशन, तो देखो बच्चों सरफेस टेंशन क्या होता है आपको ये भी बता देता हूं। सरफेस टेंशन जो होता है इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये इसकी वैल्यू रहती है। तो डायमेंशन निकालते हैं इसकी एम वन एल वन एंड द टी माइनस टू, और नीचे क्या करना है हमने एल से डिवाइड करना है, तो एल से एल गया तो एस की डायमेंशन कितनी आएगी एम टी माइनस टू, तो ये डायमेंशन आती है हमारे पास में किसकी, सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ जाती है। तो देखो सभी टर्म्स की डायमेंशन मैंने आपको निकाल के समझा दी, अगर आपको नहीं याद हुई है अभी तक तो यहां पर देखो अब हम सरफेस टेंशन की वैल्यू रखते हैं एम टी माइनस टू की पावर सी। अब इसके बाद हमने करना क्या होता है कि सबको मल्टीप्लाई कर दो और जो उनकी पावर है उनको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या रहेगा एन टू पावर ए इंटू यहां पर क्या रहेगा एम टू पावर वन इंटू बी, तो बी आ गया सीधा, और एन टू पावर कितना आएगा बच्चों यहां पर माइनस ऑफ थ्री बी, क्योंकि यहां पर थ्री इंटू बी दैट इज माइनस थ्री बी हो जाएगा। यहां से कितना आएगा एम टू पावर सी, तो दिस इज एम टू पावर सी एंड टी की पावर माइनस ऑफ टू सी, ठीक है। तो ये फुल एक्सप्रेशन हमारे पास बन चुका है, और इधर कितना है हमारे पास एम जीरो एल जीरो एंड द टी माइनस ऑफ वन, ठीक है। अब देखो एम एल और टी को हम सेपरेट करते हैं, उनकी पावर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्या क्या रेस्पेक्टिव पावर्स रहेंगी यहां पर। तो एम की देखो यहां पर एम कहां कहां पर बच्चों, इधर है और इधर है, मल्टीप्लाई में सब चीजें, तो एम टू पावर कितना होगा, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी बच्चों एड ऑन होंगी, तो दैट इज बी प्लस सी। उसके बाद में एल की बात करें तो एल टू पावर यहां पर है और इधर है, तो दैट इज ए प्लस ऑफ माइनस थ्री बी, तो कितना आएगा यहां पर दैट इज ए माइनस थ्री बी, ये निकल कर आएगा। और टी है तो टी की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों आपकी यहां पर, सिर्फ टी हमारे इधर ही है तो दैट इज माइनस ऑफ टू सी, ठीक है। इधर कितना है एम जीरो एल जीरो एंड द टी माइनस ऑफ वन। अब फिर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं फॉर्मूला सही भी होना चाहिए, तो इसलिए हम प्रिंसिपल होमोजेनिटी का की हेल्प लेंगे। तो वो ये क्या आता है कि हर किसी टर्म की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स की डायमेंशन राइट हैंड साइड के टर्म्स की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से जब हम टर्म्स को कंपेयर करते तो एम की पावर इधर कितनी है जीरो है, इधर कितनी है बच्चों आपकी बी प्लस सी, तो बी प्लस सी किसके इक्वल होगा आपका जीरो के इक्वल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा a माइनस थ्री बी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इधर एल टू पावर कितनी है जीरो, तो ये भी जीरो के इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम निकालते हैं t की पावर इधर कितनी है माइनस टू सी, तो इधर कितनी है बच्चों आपकी माइनस वन, तो माइनस वन आ गई इससे कैंसिल हुआ, तो c की वैल्यू देखो हमारे पास आ गई कितनी आ गई वन बाई टू आ गई, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो a की जो वैल्यू है इसको थ्री बी को आप इधर लेके जाए तो कितना होगा थ्री टाइम्स ऑफ बी रहेगा, ठीक है। और साथ में अब इस फॉर्मूले से हम पहले b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखो b इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों आपका माइनस ऑफ c, क्योंकि c इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, जीरो से इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा b इक्वल टू माइनस c, तो b की वैल्यू कितनी आ गई c कितना था आपका वन बाई टू, तो इट इज माइनस ऑफ वन बाई टू। जब b इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ गया तो a की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों आपकी थ्री टाइम्स ऑफ माइनस वन बाई टू, तो थ्री टाइम्स ऑफ माइनस वन बाई टू का मतलब कितना होगा थ्री बाई टू, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हम क्या काम करते हैं कि पुट ए बी सी इन इक्वेशन किसके अंदर, इक्वेशन वन के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन वन कौन सी होती है, ये वाली होती है जहां पर हम डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट के इंक्लूड करते हैं अपने न्यूमेरिकल के अंदर, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना के इन टू आर टू पावर ए, तो ए कितना है बच्चों आपका ए की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है डेंसिटी दैट इज रो, तो रो की पावर क्या है बी, तो दैट इज माइनस वन बाई टू, तो ये माइनस वन बाई टू हो गया। उसके बाद में फिर क्या है बच्चों आपका, इट मींस यहां पर फिर एस सरफेस टेंशन, तो एस टू पावर कितनी है वन बाई टू। अब देखो बच्चों ये हम चीज कैसे सोल्व करेंगे, ये आप इधर देख लीजिए किस तरीके से आपको ये चीज सोल्व करनी है, ठीक है। तो यहां देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू यहां पर सब में वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू सब में कॉमन है ना, तो हम देखो हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं के इक्वल टू आर टू पावर वन, यहां से मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं दैट इज माइनस वन बाई टू और इसकी पावर थ्री, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या लिखा है बच्चों यहां पर दैट इज रो की पावर कितना है माइनस वन बाई टू, ठीक है। और इसके बाद में फिर क्या लिखा है एस टू पावर वन बाई टू। अब देखो अभी मैंने तरीका बताया था फ्रीक्वेंसी इक्वल टू के इक्वल टू अगर किसी की पावर माइनस वन बाई टू होती है तो जो सेकंड न्यूमेरिकल करा था टाइम पीरियड वाला, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि वो वैल्यू अंडर रूट में नीचे जाएगी, तो कितना होगा बच्चों यहां पर दैट इज वन अपॉन आर अंडर रूट और इसकी पावर कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी थ्री आ जाएगी, और यहां से कितना होगा दैट इज वन अपॉन अंडर रूट ऑफ डेंसिटी रो इंटू यहां पर वन अपॉन, यहां पर सीधा सिर्फ ऊपर ही रहे क्योंकि यहां पर प्लस पावर है, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ एस। तो देखो तीनों के टर्म्स के साथ अंडर रूट एस अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट को हम एक बड़ा सा अंडर रूट यहां पर बनाते हैं,
ये हो गया हमारा बड़ा सा अंडर रूट, और साथ में जो के की वैल्यू उसको के की लिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं के टर्म, उसके बाद में इट इज रिटन एज दैट इज 1/r की पावर 3 है, रूट आर की पावर। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो ये जो हमने अंडर रूट बना दिया तो इसका मतलब क्या रहेगा आप लोगों का, एस कहां पर आएगा आपका ऊपर क्योंकि अंडर रूट एस है, और नीचे क्या क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा और रो आ जाएगा, और आर की पावर अभी क्या बची है 3 बची हुई है। तो क्या रहेगा बच्चों जब इसको फाइनली सोल्व करेंगे हम लोग, फाइनली आंसर अब आ चुका है हमारे पास में के इंटू अंडर रूट ऑफ एस अपॉन रो आर क्यूब। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑसिलेटिंग ड्रॉप, कि एक ऑसिलेटिंग ड्रॉप की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, अंडर रूट ऑफ एस रो अपॉन मतलब एस अपॉन रो आर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग इन न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार कीजिएगा, एंड आपके पास जो भी हेल्प बुक है उससे आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो मम्मी पापा डांटेंगे, पिटाई होगी। तो उस पिटाई से बचने के लिए आप लोग बच्चों ध्यान लगाकर पढ़ाई करो अपनी, इस सबको नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद में हमारा डायमेंशन का सिर्फ एक लास्ट लेक्चर रह गया है, जो जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ आपको स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, एंड साथ में मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड दो छोटे छोटे थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो भी मैं कराऊंगा, और कुछ ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट हैं जिनकी डायमेंशन मैं निकाली आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिखाऊंगा। मीन्स जो आने वाला कमिंग लेक्चर है वो भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर, तो आप लोग उसको भी मिस ना कीजिए, तो इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करता हूं। तो मिलते हैं जल्दी अपना लेक्चर नंबर 4 के अंदर अंदर डायमेंशन।